भीम में कांस्टेबल पर तलवार से हमला, राजस्थान पुलिस ने जनता से की बड़ी अपील। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में राजसमंद जिले के भीम कस्बे में बुधवार दोपहर 1:30 बजे प्रदर्शन के दौरान भीड़ के हिस्से ने एक पुलिस कांस्टेबल पर तलवार से हमला कर दिया। घायल कांस्टेबल को भीम CHC में प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर किया, जहां से स्थिति नाजुक होने पर अजमेर भेज दिया गया। कांस्टेबल की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं हालात बिगड़ने की आशंका पर मौके पर जिला कलेक्टर, SP सहित कई आला अधिकारियों ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस बीच आरोप है कि सोशल मीडिया पर इस खबर को दूसरे एंगल से शेयर किया जाने लगा, जिस पर राजस्थान पुलिस ने खुलासा किया है और जनता से अपील की है। मीडिया में मुस्लिम एंगल के साथ ये खबर शेयर की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल पर हमला मुस्लिमों ने किया है। इस खबर का खंडन करते हुए राजस्थान पुलिस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा, ये खबर सरासर झूठ है, इसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल संदीप पर हमला करने वाला आरोपी उसी के समुदाय से संबंधित है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, फेक न्यूज फैलाने से बचें। राजस्थान पुलिस की अपील पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपना पक्ष रखा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा, फेक न्यूज को उजागर करने वाले जुबैर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो फेक न्यूज फैलाकर माहौल बिगाड़ने वाले ऑफ इंडिया, जी न्यूज, सुदर्शन न्यूज पे कार्रवाई कब होगी। एक और सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा, कृपया भूल सुधारे, यहाँ उसी समुदाय से क्या तात्पर्य है, आप राजस्थान पुलिस है, आपको अधूरी खबर नहीं देनी चाहिए। एक और सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा, खबर झूठी है तो जिसने खबर फैलाई उसे गिरफ्तार करे, आप राजस्थान पुलिस के इस खुलासे को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि उदयपुर मामले से जुड़ी हर जरूरी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे।